वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। हम एक डे स्पेंड करेंगे यहाँ ट्रक ड्राइवर की लाइफ में कि वो कैसे काम करते हैं। तो अभी सुबह के 5:30 हो चुके हैं, हम अभी उठ चुके हैं और अभी बाहर अंधेरा है और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे हल्का फुल्का, उसके बाद यार्ड की तरफ निकलेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको डिसाइड कर लेना कि क्या ये, काफ़ी लोग कहते हैं कि ड्राइविंग में पैसा अच्छा है बाहर, अब हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो देखते हैं कि इनका वर्क कैसे है, क्या इजी टास्क है या ज़्यादा मेहनत वाला है। तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि यार्ड में पहुंचना है, फिर शिफ्ट स्टार्ट होती है। तो 5:30 हो चुकी है और 7 बजे तक यार्ड में पहुंचना है। तो अब देखते हैं आगे का दिन, दिखाते हैं आपको और कैसे कैसे काम होता है, ट्रक वगैरह भी आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बाकी की वीडियो के लिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग भी इस चैनल पे आती रहेगी। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस दिन को। तो यार्ड में तो पहुंच चुके हैं और पीछे ट्रक वगैरह सारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ट्रक स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा वार्म अप हो रहा है और उसके बाद चलाएंगे। और जितनी भी आपने शॉर्ट में गाड़ियां देखी हैं ये ट्रक ड्राइवर की ही गाड़ी से है। तो वो यहाँ आते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं और ट्रक उठाते हैं और काम पर निकल जाते हैं। सुबह अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन यस अब आज का पता नहीं क्या होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये 5 बजे तक काम इनका फिनिश हो भी जाता है। तो मतलब बंदा 5-6 बजे घर पहुंच जाता है अर्ली उठने के बाद। और बाकी जो डेली का है, क्योंकि आपने अर्निंग वगैरह देखी होगी, इतनी अर्निंग होती है ट्रक वालों की, बड़ा पैसा कमाते हैं, तो उनका हार्ड वर्क क्या है ये थोड़ा आपने कम देखा होगा। तो कोशिश है कि वो दिखाएं। और ये जो मैंने पहनी हुई है नियोन कलर की, ये जो है तो ये सेफ्टी के लिए है। तो यहाँ जो भी ट्रक ड्राइवर होगा उसने चाहे टी शर्ट, कोई जैकेट, कुछ ना कुछ जो है थोड़ा चमकने वाले रंग का जो होता है लाइट कलर, नियोन कलर, वो जरूर पहनना होगा, क्योंकि वो सेफ्टी के मेजर के हिसाब से यहाँ पे मैंडेटरी है। तो अगर कोई ट्रकिंग पर्सनल गाड़ी नहीं तो ट्रकिंग लाइन वाला है, ड्राइविंग लाइन वाला है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें पहननी है। बाकी आपको दिखाते हैं आगे चल के दिन का रूटीन क्या रहती है, कैसे काम चलता है, कहाँ से लोड उठाते हैं, और थोड़ा बहुत बाकी भी कॉमन बातें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे फटाफट से। अपना ट्रक कौन सा है, उसको क्या कहते हैं? वो रिजिड ट्रक है सर, रिजिड। और ये जो पीछे लगे हुए हैं थोड़े से बड़े, ये बड़ी रेटिंग वाले हैं, ये बी डबल चलेंगे, इन पे डबल ट्रेलर लगेगा, सेमी भी चला सकते हैं। वो जो पार्क हुआ पड़ा वो बी डबल है, है ना? वो बी डबल है। अच्छा, वो जो ट्रे वाला ट्रक है वहाँ पे उस ट्रेलर है, हाँ। वो बी डबल का फ्रंट है। ओके, वो पीछे जो खड़ा है वो टिप्पर है, वो टिप्पर का डॉग ट्रेलर बोलते हैं उसे, वो मिट्टी उठाने के। ठीक है, अगर आप इसका आगे वाला निकाल दें ट्रेलर भी, तो वो पीछे अकेला सेमी करा जाता है, वो ब्लू वाला जो बता। हाँ, वो भी चलता है, अकेला भी चला सकते हैं आप उसे, लेकिन ये इंटरस्टेट चलते हैं, जैसे यहाँ से सिडनी। अच्छा। ब्रिस्बेन।
लॉन्ग रूट पे, लॉन्ग रूट तो बड़े वाले ज्यादातर लॉन्ग रूट के लिए चलते हैं, लोकल के लिए छोटे ही प्रेफर करते हैं क्योंकि सामान उतारना है, पैलेट उतारने हैं, कई बार रास्ते ऐसे होते हैं कि बड़ा ट्रक वहाँ टर्न नहीं कर सकता, तो अलग अलग तरह के ट्रक है ये। चलो अभी ये भी छोटे ट्रक हैं लेकिन रोड पे आपको दिखाएंगे, वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर मूवी वाले वो भी ट्रक जहाँ पे बहुत चलते हैं और कॉमन है, वो सबसे बड़े में काउंट होते हैं, बड़े लंबे लंबे लोड लेके जाते हैं। दिन की शुरुआत हो चुकी है, ट्रक चल चुका है और अब हम सबसे पहले जो पहला काम है कनाडा में टीम होटल जाने का, यहाँ पंप पे जाने का, तेल डलवाओ और साथ में पियो गर्मा गर्म कॉफ़ी, तो चलो आपको वो भी दिखाते हैं। कॉफ़ी आ गई है जी $2 की और अब चलते हैं ट्रक में। पहला लोड उठा लिया है, 7 ट्रॉलीज है जो हमने सिटी में छोड़नी है और ये बस इतना सा ही लोड आपने जो ट्रक में देखा आपने, तो अभी दिखाते हैं आगे डिलीवरी कैसे करनी है। तो पहुंच चुके हैं
तो ड्राइवर साहब वो गए हैं उनके ये होटल वाले मैनेजर से मिलने कि डिलीवरी कहाँ चाहिए। 3 ट्रॉली हैं। एसपी अगर बात करें तो वो लॉन्ड्री की सर्विस ही करते हैं, यहाँ से उनके बेड शीट्स वगैरह टॉवल्स वगैरह सब कुछ जाता है वहाँ पे, और प्रॉपर बड़ा सिस्टम आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, तो बढ़िया सिस्टम है, और वहाँ से ऐसे ट्रकों में सामान आता है। तो 7 ट्रॉली आई, इनकी 3 ट्रॉली है और 3 किसी और की है और 1 सिंगल किसी और की है, और यहाँ पे ड्रॉप करने के साथ साथ कई बार पिक भी करना होता है, मतलब कि जो लॉन्ड्री उन्होंने करवानी फिर वापस वहाँ पे भी छोड़नी होती है। तो ये ऐसे सिस्टम चलता है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं हम IBS होटल हम आए हैं तो इनका पहले डिलीवरी कर रहे हैं, और उसके बाद नोवाटेल है शायद, तो उसके भी जाना है। तो अभी देखते हैं कहाँ बैक करके कहाँ पे लगाना है और आपको दिखाते हैं, फिर अनलोडिंग भी करते हैं, और उसके बाद अपडेट जो है आपको बीच बीच में प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आपको रियलिटी पता लग सके कि चलो ठीक है कि सारा कुछ लाइफस्टाइल बंदा देखता है तो वर्क कैसा है, ठीक है। तो ताकि कई लोग करना चाहते हैं ये चीज़ें तो उनको रियलिटी पता होगी कैसे कैसे काम होता है, और ठीक है बाकी अपडेट आगे चल के देता हूँ। पहला लोड उतार दिया है और यहाँ से बाकी लोड उठा लिया है। 2 ट्रॉली है यहाँ आगे के लिए जो वहाँ वापस छोड़नी है, तो 3 ट्रॉली ड्रॉप होगी, 2 पिक कर ली हमने, 4 ट्रॉली ड्रॉप करनी है और आगे देखते कितनी पिक होती है, तो आपको अपडेट करते हैं। नोवाटेल में आ गए हैं जी अगली डिलीवरी के लिए, और पास में ही था, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं तय करना पड़ा हमें। तीन ट्रॉली उतारी है और 6 ट्रॉली यहाँ से वापस लोड करनी है, तो मतलब लॉन्ड्री का सामान आता है, धुल के आते हैं कपड़े इन शॉर्ट टॉवल वगैरह, और वापस यहाँ से धुलने के लिए चले जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कॉस्ट फैक्टर रहता है, जो बंदा छोड़ने आया सामान वो ले भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई लोड करके नहीं देगा आपको सामान। तो जो ड्राइवर है उसकी खुद की ड्यूटी है कि उसी ने ये सारा काम करना है, उतारने का और चढ़ाने का। अभी ये तो लाइट लोड है, नहीं तो वहाँ पर जो है मशीन्स वगैरह मिल जाती है लोडिंग के लिए, और हाँ कई जगह जहाँ पैलेट वगैरह होते हैं तो वो लोड करके देते हैं। ब्रांच है IBIS की अगली ब्रांच है, ये होटल ही है, बजट होटल, और इसमें अब लास्ट एक ट्रॉली लास्ट बची है, वो यहाँ पे ड्रॉप करनी है, और अब पता चलेगा कि यहाँ से पिक कितनी होनी है। तो उसके बाद सीधा ही जहाँ से हम चले थे SP सेंटर से, साउथ पैसिफिक लॉन्ड्री का जो सेंटर है, वहीं वापस जाएंगे, ये सारा सामान लेके वहाँ ड्रॉप करेंगे। तो अगर उसके बाद टाइम बचा तो अगला पिकअप होगा, बट लगता नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट आफ्टरनून तो हो ही चुकी है, तो वहाँ जाने में भी यहाँ से 1.5-2 घंटे लग जाने, अभी लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग होगी, और एक घंटा तो यहाँ भी लग जाना है। तो फिर अगर 3 के बाद पहुँचते हैं वहाँ पे 3-4 बजे, तो आज फिर थोड़ा जल्दी ऑफ हो सकता है, अगर टाइम हो तो अगली डिलीवरी बंदा पिक कर सकता, नहीं तो यहीं पे जो है
क्योंकि अर्ली स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे अर्ली फिनिश भी हो जाता है, मतलब अगर मॉर्निंग में जल्दी उठे हो और आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी है तो, क्योंकि 8 से 10 घंटे आप काम कर सकते हो, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो 4 बजे 5 बजे भी कई बार फ्री हो जाते हैं, तो देखते हैं आज कितने बजे फ्री होते हैं। सात ट्रॉली की डिलीवरी हुई है और बदले में मिली है 10 ट्रॉली, पहली जगह से 2, उसके बाद 6 और यहाँ से भी 2, तो 7 ट्रॉली डिलीवर करके 10 ट्रॉली वापस लेके जानी है, जो कि धुलने वाले टावल ये वो चादरें वगैरह जो होटल्स की होती है वो रहा पीछे। होटल IBIS का ही है, लंच ब्रेक अब होगा ब्रेक। एक ट्रिप पूरा करने के बाद अब हम सेकंड ट्रिप पे निकले हैं, 3:30 का टाइम हो चुका है और 7 ट्रॉली और हैं होटल हॉलीडे इनकी, और अब अगला ड्रॉप, अब ये सिंगल ड्रॉप है, पहले हमें 7 ट्रॉली थी 3 जगह ड्रॉप था, अब ये 7 ट्रॉली है सिंगल जगह पे ड्रॉप है, तो ये लास्ट ड्रॉप है इसके बाद, क्योंकि टाइम हो जाएगा तो अब ये लास्ट ड्रॉप करते हैं। सिटी का ड्रॉप है और सिटी में एंटर हो चुके हैं, तो आपने भी देखे होंगे व्यू वगैरह, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे लगती है, तो यहाँ ट्रक सिटी में भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ लोकल ड्रॉप भी होते हैं, सामान का लाना ले जाना तो चलता रहता है यहाँ पे, तो आप सिटी का व्यू इंजॉय कीजिए। हॉलीडे इन के एंट्रेंस पे आ चुके हैं ड्रॉप करने, तो अभी ट्रक वाले भाई साहब वो पीछे कंफर्म कर रहे हैं कि ड्रॉप कहाँ से करना है, डिलीवरी एरिया है कौन सा, तो वो पूछ के पता करने गए हैं। ट्रक कर लिया रिवर्स और अब ये लोड उतरेगा 7 पैलेट और ले जाने, पैलेट नहीं ट्रॉली है ले जाने वाले, 1, 2, 3, 8 के तकरीबन ले जाने वाले हैं और ये उतरेंगे। थोड़ा सा ट्रक ऐसे पार्क हुआ है नीचे की तरफ ना, क्योंकि ये हाइट है रैंप की, तो उनको अब खींचने में थोड़ा सा चैलेंज आने वाला, तो इतनी भी कोई इजी ड्राइवर की जॉब नहीं है कि आप सोचो कि बैठे बैठे बनते हैं डॉलर भाई, ये देखो अब सारा जोर लगेगा बंदे का जब खींचने।
तो शिफ्ट क्लोज हो चुकी है, तकरीबन टाइम हो गया है 7 बज चुके हैं। तो डेली क्या इतना टाइम लगता है क्यों जल्दी? लगभग 10 घंटे, लगभग 10 घंटे डेली के लगते हैं। सो मॉर्निंग से स्टार्ट होके शाम तक, तो वीक के 5 दिन काम चलता है। तो ऐसे डॉलर बनते हैं भाई, ऐसे नहीं सो के नहीं बनते। तो जिनको लगता है कि शायद वैसे इजी है, तो ये टास्क आपने देख ही लिए। तो और वीडियो आप चाहते हो तो आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके और बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आता रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन।